हेलो एवरीवन, आज जो अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो रिसर्च से है, जो आपके हर नर्सिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सीधे के सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो थ्योरी की क्लास में मिल जाएगा इसका रिलेटेड, अगर आपको वास्तव में ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है और आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो उसको स्टडी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में ब्रीफली और क्विकली अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? अ ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द स्टडी। कोई भी रिसर्च की स्टडी करनी है, आपने जैसे आपकी फोर्थ ईयर में की होगी, मास्टर में की होगी और आपके स्टूडेंट भी कर रहे होंगे अभी, तो जो आपने स्टडी की है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट फ्रेमवर्क या अपना कोई भी आर्किटेक्टर होता है घर का, उसका जो ब्लूप्रिंट देता है, एक ब्रीफली आइडिया देता है वो क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। तो उसके बेस पे आप स्टडी कर पाओगे, पायलट स्टडी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन या डाटा कलेक्शन टूल। तो आपको क्वेश्चंस देख के पता चल गया होगा, सर ब्लूप्रिंट तो क्या कहलाता है, एक तरह से उसे क्या नाम से जानते हैं, डिजाइन। या अपने नॉर्मल लाइफ में देखे तो डिजाइन हो गया, अगर रिसर्च लाइफ में आप देखो तो कौन सी डिजाइन होगी, तो रिसर्च डिजाइन। क्लियर है? क्या हो गया? रिसर्च डिजाइन। अगर रिसर्च करनी है तो आपको जो ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, रिसर्च डिजाइन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका सबका करेक्ट आंसर होगा। इसे और किस नाम से जाना जाता है, यही बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द रिसर्च क्या है, तो आप बोलोगे सर क्या, रिसर्च डिजाइन। ये दो टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो अपन थ्योरी क्लासेस में आगे देखेंगे। यहाँ पे क्विकली अपन आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट पे यही चीजें संभव है और इजीली आप कर पाओगे। ऑल द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एक्सेप्ट। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च, एक तो क्वांटिटेटिव हो गया और क्वालिटेटिव, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन सर। फिनोमिनोलॉजिकल, इथनोग्राफिकल, ग्राउंडेड थ्योरी या फिर कोरिलेशन। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप अपन ने देखे थे, है ना? तो अब देखेंगे इसमें से क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट कौन सा नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। तो आप बताओगे सर क्या बताओगे, फटाफट बताइए क्या बताओगे सर। सर फिनोमिनोलॉजिकल भी है, एथिनोग्राफिक भी है, ग्राउंडेड थ्योरी भी है, लेकिन कोरिलेशन क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। एग्जैक्टली, एम आई राइट? क्लियर है सब, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? तो याद रखना इस पे क्वेश्चंस जरूर 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 बनेंगे, ये भी रिसर्च डिजाइन का एक टाइप है। तो ये वाला क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और ये तीनों क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है। क्लियर?